कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर वन, वर्धमान पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन। संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। स्वर्गीय माता सीतावंती, धर्मपत्नी, स्वर्गीय मास्टर नत्थू रामजी मुन्हानी की स्मृति में श्री सुरेंद्र जैन, कांता जैन, श्री अशोक जैन, नीलम जैन, श्री पंकज जैन, अमिता जैन, श्री रजनीश जैन, दीपिका जैन, श्री ऋषभ जैन, मुदित जैन, SKJ रबर कॉर्पोरेशन, दिल्ली। अरुण कुमार जैन, रेणु जैन, अनुश्री जैन, अंशिता जैन, नंदग्राम, गाजियाबाद। मीना प्रदीप, मधु प्रद्युम्न, सोना अंकित, ऋषभ, तनुज, सुरभि रानू, प्रखर जैन, चांदवार। 83402 सिद्धार्थ नगर, बोरीवली, मुंबई 400066। सुभाष जैन, वीना जैन, संयम जैन, शिखा जैन, साक्षी जैन, सार्थक जैन, प्रीत विहार, दिल्ली। स्वर्गीय श्रीमती रंजन तरुण भाई सेठ की जन्मतिथि स्मरणार्थ श्री तरुण भाई सेठ, समीर दामानी, तेजल दामानी, मलय दामानी, वडोदरा, गुजरात। श्रुत मालिका, बेंगलोर। नया बाजार, दिगंबर जैन मंदिर, ग्वालियर। रामप्रस्थ कॉलोनी, गाजियाबाद, गुप्तदान। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूवृतां यातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। पिछले एपिसोड में हमने देव कितने प्रकार के होते हैं, उनमें कितने पद होते हैं, उनकी लेशा कैसी होती है और उनमें प्रविचार अथवा शरीर संबंधी काम सेवन का सुख किस प्रकार का होता है, इस पर चर्चाएं की थी। आज अब देवों के कौन कौन से भेद हैं, इन पर चर्चाएं करेंगे। सर्वप्रथम चार निकायों में भवनवासियों का क्रम आता है, अतः भवनवासी देवों के कितने भेद हैं इसका सूत्र पहले कहते हैं। भवनवासिनो सुरनाग विद्युत सुपर्णाग्निवातस्तनितो दधिद्वीप दिक् कुमाराः। भवनवासिनो सुरनाग विद्युत सुपर्णाग्निवातस्तनितो दधिद्वीप दिक् कुमाराः। इस सूत्र में भवनवासी देव कितने प्रकार के होते हैं इसको बताया गया है। देखें, भवनवासिनो, भवनवासी देव, असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, वात कुमार, स्तनित कुमार, उदधि कुमार, द्वीप कुमार और दिक् कुमार 10 प्रकार के होते हैं। सूत्र बिल्कुल सरल है, केवल थोड़ा सा संधि विच्छेद अपने को करना है। भवनवासी देवों के कितने भेद हैं, भवनवासी देवों के 10 भेद हैं। असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, वात कुमार, स्तनित कुमार, उदधि कुमार, द्वीप कुमार और दिक् कुमार। इस तरह भवनवासियों के 10 भेद जानने चाहिए। गुरु जी, इनको भवनवासी क्यों कहते हैं? भवनवासी शब्द का अर्थ होता है जो भवनों में रहते हों। इन भवनवासी देव जितने होते हैं ये सब भवनों में रहते हैं। इनके भवन जमीन के अंदर, अर्थात रत्नप्रभा पृथ्वी के 3 भाग होते हैं, खर भाग, पंक भाग और अब्बहुल भाग। पंक भाग में असुर कुमारों के भवन हैं, शेष 9 के भवन खर भाग में हैं। तो इनके भवन भवनवासियों के खर और पंख भाग में हैं, जमीन के ऊपर हैं और पर्वतों पर भी हैं। ये भवन भवन कहलाते हैं, जमीन के ऊपर वाले भवनपुर कहलाते हैं और जो पहाड़ों के ऊपर हैं वे आवास कहलाते हैं। बड़े सुंदर सुंदर रत्नमणियों के बने भवनों में ये भवनवासी देव रहते हैं।
भवनों में रहने वाले होने के कारण इनका नाम है भवनवासी। भवनवासी देवों के भवनों में कुल कितने अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं? अधोलोक में भवनवासी देवों के 7,72,00,000 भवन हैं। प्रत्येक भवन में एक एक जिनालय होता है। इस तरह कुल 7,72,00,000 अकृत्रिम चैत्यालय अधोलोक संबंधी हैं और प्रत्येक चैत्यालय में 108 जिनबिंब विराजमान होते हैं। वे चैत्यालय स्वर्ण मणियों से जड़ित और बहुत सुंदर और अति भव्य हैं। भवनवासी देवों के बाद अब व्यंतर देवों के कितने भेद हैं, इस पर चर्चा हो रही है। व्यंतराः किन्नर किम पुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचाः। व्यंतराः किन्नर किम पुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचाः। इस सूत्र में व्यंतर देवों के भेद बताए गए हैं। व्यंतराः व्यंतर देव, किन्नर किम पुरुष, महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत और पिशाच, ये 8 भेद वाले होते हैं। व्यंतर देवों की परिभाषा क्या है? यत्र तत्र विचरन्ति इति व्यंतराः, अर्थात जो यहाँ वहाँ विचरण किया करते हैं, जो घूमने फिरने के बड़े शौकीन होते हैं, उन्हें कहते हैं व्यंतर। व्यंतर देवों का निवास कहाँ पर जानना चाहिए? व्यंतर देवों का निवास स्थान भी रत्न प्रभा पृथ्वी के खर और पंख भाग में है। पंख भाग में सिर्फ राक्षस रहते हैं और शेष 7 प्रकार के जो व्यंतर देव वो खर भाग में रहते हैं। व्यंतर देवों के भवन खर और पंख भाग में हैं। इसके अलावा भवनवासियों की तरह भवन यहाँ हो गए, भवनपुर जमीन के ऊपर हैं और आवास ऊपर पहाड़ आदि के ऊपर हैं। जैसे तालाबों के अंदर, पद्म तालाब के अंदर जो श्री हिरि आदि देवियां रहती हैं, ये व्यंतरी हैं। तो व्यंतर देवों के निवास स्थान 3 प्रकार के, खरवा पंख भाग में भवन, अच्छा ऊपर मध्यलोक में जमीन के ऊपर भवनपुर, ऊपर आकाश में, इन्हें कहते हैं आवास। इस तरह व्यंतरों के भवन होते हैं और ये भवन बड़े सुंदर होते हैं। व्यंतर देवों के निवास स्थानों में कितने अकृत्रिम चैत्यालय हैं? व्यंतरों के निवास स्थान असंख्यात हैं, इसलिए प्रत्येक निवास स्थान में एक एक जिनालय होने से उनके अकृत्रिम जिनालय भी असंख्यात हैं और प्रत्येक अकृत्रिम जिनालय में 108 जिन प्रतिमाएं होती हैं। क्या भूत पिशाच आदि व्यंतर देव लोगों को परेशान करते हैं, ये सच है? भूत पिशाच आदि देव परेशान कर सकते हैं या नहीं, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं। अर्थात पूर्व भव के बैरवशात वे सामर्थ्यवान हैं, यहाँ आके किसी के साथ भी अच्छा या बुरा अपना प्रभाव दिखाना या वर्ताव वातावरण बना सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं। भवनत्रिक में भवनवासी और व्यंतरों की चर्चा हुई, अब ज्योतिषी देवों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। ज्योतिषकाः सूर्या चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च। ज्योतिषकाः सूर्या चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च। बोलिए। ज्योतिषकाः सूर्या चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च। ज्योतिषी देव कितने प्रकार के होते हैं, पहले ही बताया था उन्होंने, 5 प्रकार के, पंच। ज्योतिषी देवों के 5 वेद कौन कौन से हैं, देखें। ज्योतिषकाः ज्योतिषी देव, सूर्या चंद्रमसौ सूर्य और चंद्रमा, ग्रह नक्षत्र और प्रकीर्णक माने सब तरफ बिखरे हुए तारे। इस प्रकार ज्योतिषी देव 5 प्रकार के होते हैं। ज्योतिषियों के 5 भेद हैं, सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र और प्रकीर्णक तारे। ज्योतिषी देवों का निवास मध्य लोक में है अथवा ऊर्ध्व लोक में, एवं इनके अकृत्रिम जिनालय कितने हैं? पहले हम ये समझ लें मध्य लोक कहाँ से कहाँ तक है।
मध्यलोक है रत्न प्रभा पृथ्वी के ऊपर का जो सबसे पहली चित्रा पृथ्वी है उसके नीचे से उसके धरातल से मध्यलोक प्रारंभ होता है, अर्थात चित्रा पृथ्वी मध्यलोक में है 1000 योजन मोटी। वहां से चित्रा पृथ्वी से अब ऊपर आ गए तो चित्रा पृथ्वी से 99,000 योजन ऊंचा सुमेरु पर्वत है, उसके ऊपर 40 योजन की चूलिका है। मध्यलोक कहां से कहां तक है? चित्रा पृथ्वी के बॉटम से लेके और ऊपर 99,040 योजन और चल के 1,40,000 योजन ऊंचा और एक राजु विस्तृत ऐसा मध्यलोक है। अब ये देखते हैं ये ज्योतिषी देव हैं कहाँ? ज्योतिषी देव तो बहुत नजदीक हैं, चित्रा पृथ्वी से 790 से 900 योजन के अंदर अंदर में सारे ज्योतिषी देव हैं। पूरा सारे ज्योतिषी देवों के जितने विमान हैं वो इसी के अंदर हैं। अब ये किस में आए? मध्यलोक में आए। इनके विमान कितने? इनके विमान असंख्यात। एक एक विमान में रहने वाले देव कितने? देव प्रत्येक विमान में रहने वाले संख्यात, असंख्यात नहीं, क्योंकि इनके विमान बहुत बड़े नहीं होते। इसलिए कितने बड़े? ये कुल मिला के असंख्यात, और हर विमान में एक एक जिनाले। इसलिए ज्योतिषी देवों के जिनाले कितने? असंख्यात। और प्रत्येक जिनाले में 108 जिन प्रतिमा होती है, और ये सारे जिनाले मध्यलोक के जिनाले माने जाते हैं, ऊर्ध्वलोक के नहीं। ये जो ज्योतिषियों के ग्रह नक्षत्र भेद बताए गए हैं वो वही हैं जो हमें पीड़ा देते हैं? ग्रह नक्षत्र ये तो चमकते हुए विमानों के नाम हैं, ये हमें पीड़ा कैसे दे सकते हैं? हमें सुख और दुख तो हमारे कर्मों के उदयानुसार मिलता है। हाँ, इतना अवश्य है, एक ज्योतिष विद्या है, वो ज्योतिष विद्या इन ज्योतिषी विमानों के गमनानुसार हमारे भविष्य को तो बतला सकती है, लेकिन ये हमें पीड़ा देते हैं ये मानना बिल्कुल गलत है। आजकल स्थान स्थान पर नवग्रह संबंधी मंदिर बनने लगे, हमारी और आपकी धारणाएं कितनी गड़बड़ हो गई है। देखें जरा, हम क्या मानने लगे कि शनि ग्रह का प्रकोप हो तो मुनस्मृतनाथ भगवान की पूजा करने से शनि ग्रह का प्रकोप शांत हो जाता है, बिल्कुल गलत है। सारे भगवान समान शक्ति वाले हैं ऐसा नहीं, जो शनि ग्रह मुनस्मृतनाथ से तो डरता हो और महावीर भगवान से लड़ता हो, ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत है, ये धारणा बिल्कुल नहीं बनाना। आजकल तो हमने क्या देखा, जहां भी हम जाते हैं मुनस्मृतनाथ भगवान के आगे शनिवार के दिन बड़े दीपक जलते मिलते हैं। ये सब अज्ञान है, मिथ्यात्व है, इन धारणाओं को छोड़ दीजिए। ग्रह नक्षत्र हमें पीड़ा नहीं देते, अगर कोई अच्छा ज्योतिषी हो तो इनके गमनानुसार हमारे भविष्य को बतला सकता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं। ये पीड़ा देने वाले नहीं है, अतः इनकी पूजा करना ये तो मिथ्यात्व है, कभी इनकी पूजा में कभी नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, अशुभ कर्मों के उदय से दुख मिलता है, अगर अशुभ कर्मों को शुभ कर्मों में पलटना हो भगवान की पूजा स्तुति विधान आदि कार्यों में हमको लगना चाहिए। कभी कभी आकाश में रात को तारे टूटते हुए दिखाई देते हैं, तो इस तारे टूटने से हमें क्या समझना चाहिए? अपना दिगंबर जैनों में एक बहुत अच्छा प्रथमान युग का ग्रंथ है पद्म पुराण, उसके रचयिता है आचार्य रविशेन। आचार्य रविशेण महाराज ने एक कथा में लिखा है, जब हनुमान जी यात्रा करके लौट रहे थे और एक पहाड़ पर उन्होंने रात्रि विश्राम किया था, तब उन्होंने ऊपर आकाश की ओर देख रहे थे, तब एक तारा उन्हें टूटता हुआ दिखा। तो वहाँ आचार्य रविशेण महाराज ने ये स्पष्ट किया है, तारे नहीं टूटते, तारे तो अकृत्रिम होते हैं, इनकी संख्या ना एक भी घटती है ना बढ़ती है, लेकिन कभी कोई चमकती हुई वस्तु अगर टूटी हुई दिखती है तो इसका तात्पर्य है शायद कोई देव विहार कर रहा हो और उसका जो वैक्रिक शरीर है ना वो आयु समाप्त होने से बिखर गया हो, इसे कहते हैं तारा टूटना। अर्थात
देवता के शरीर बिखर जाने को तारा टूटना कहते हैं। वास्तव में जो अकृत्रिम विमान तारे हैं ये टूटते नहीं, अन्यथा ऐसे टूटते तो अब तक समाप्त तो हो गए होते। अब हम ये देखते हैं ये ज्योतिषी देव निरंतर करते क्या रहते हैं। सूत्र देखें, मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतियो नृलोके। मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतियो नृलोके। बोलिए, मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतियो नृलोके। देखें, मेरु प्रदक्षिणा, मेरु की प्रदक्षिणा करते रहते हैं। नित्य गतियो, नित्य माने हमेशा, गतियो माने गतिमान रहते हैं, चलते रहते हैं। कौन? ज्योतिषी देव। कहाँ के? नृलोके, मनुष्य लोक के। अर्थात 45 लाख योजन विस्तार वाला जो मनुष्य लोक है उसमें जितने ज्योतिषी देव अर्थात सूर्य चंद्रमा तारे आदि हैं, ये क्या करते हैं? निरंतर सुदर्शन मेरु की प्रदक्षिणा करते रहते हैं। मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतियो, अर्थ नित्य माने हमेशा, चलते रहते हैं। नृलोके माने मनुष्य लोक के सभी ज्योतिषी देव। सूत्र का अर्थ क्या बना? मनुष्य लोक में सभी ज्योतिषी देव निरंतर मेरु की, सुदर्शन मेरु की प्रदक्षिणा करते रहते हैं और निरंतर गमनशील रहते हैं, रुकते नहीं हैं। एक सूर्य एक प्रदक्षिणा लगाने में कितना समय लगाता है? ये सूर्य चंद्रमा चलने वाले ये जम्बूद्वीप के बॉर्डर के ऊपर लगभग चलते हैं और एक सूर्य या एक चंद्रमा को पूरी एक प्रदक्षिणा लगाने में लगभग 2 दिन लगते हैं। अर्थात आज जो सूर्य निकला है, अब ये सूर्य कल नहीं निकलेगा, परसों निकलेगा। जम्बूद्वीप में इसीलिए 2 सूर्य हैं और 2 चंद्रमा हैं। पूरा समय एक परिक्रमा में 2 दिन से कुछ ज्यादा लगता है। ढाई द्वीप में कुल कितने सूर्य और कितने चंद्रमा हैं? ढाई द्वीप में कुल 132 सूर्य और 132 चंद्रमा हैं। जम्बूद्वीप में 2 सूर्य और 2 चंद्रमा हैं। लवण समुद्र में 4 सूर्य 4 चंद्रमा हैं। धातकी खंड में 12 12 हैं। कालोदधि में 42 42 हैं और पुष्करार्ध में 72 सूर्य और 72 चंद्रमा हैं। कुल मिलाकर ढाई द्वीप में, ढाई द्वीप 45 लाख योजन विस्तार वाला है गोल, इसमें कुल मिला के 132 सूर्य और 132 चंद्रमा होते। ज्योतिषी देव निरंतर गमन करते रहते हैं। नित्य गतियो शब्द दिया है तो इससे क्या होता है? तो आचार्य अगले सूत्र में बता रहे हैं, तत्कृतः काल विभागः। तत्कृतः काल विभागः। बोलिए, तत्कृतः काल विभागः। तत् माने उनके उस गमन के द्वारा, कृतः माने किया गया है, काल का विभाग। काल का जितना भी विभाग है वो ज्योतिषी देवों के गमन के द्वारा तय होता है। अर्थात आज सूर्य निकला, अब आज से लेके कल सूर्य निकलने तक को हम कहते हैं 1 दिन। अगर सूर्य ना निकले, चंद्रमा ना निकले, तो दिन कैसे फिक्स करेंगे, हफ्ता कैसे होगा, महीना वर्ष कोई निर्णय नहीं होगा। तो सूत्र क्या है? तत्कृतः, उन ज्योतिषी देवों के गमन करने से किया गया है काल का विभाग। अर्थात दिन रात सप्ताह महीना ये काल का जो विभाग है ये सब ज्योतिषी देवों के गमन से निश्चित तो होता है। जो सूर्य और चंद्रमा हमें दिखाई देते हैं वास्तव में इनका आकार कैसा है? एक नींबू लें और नींबू को बीच में से काट दें, नीचे से गोल ऊपर से सीधा। जितने ये विमान आपको दिखते हैं ज्योतिषी देवों के, इन सब का आकार आधे कटे नींबू के निचले हिस्से के भाग की तरह राउंड है। ये जो सामने हमको दिखता है ना सूर्य, ये सूर्य तो एक ऐसा दिखता है रुपए जैसा गोल, नहीं, एक्चुअली नीचे से जो विमान का हिस्सा गोल है ना, उस गोल की चमक हमको दिखाई पड़ती है। नरक में और स्वर्ग में तो सूर्य चंद्रमा होते ही हैं, तो वहाँ पर दिन और वर्ष कैसे गिने जाते हैं?
मध्यलोक में जहाँ सूर्य चंद्रमाओं के गमन से दिन रात और वर्ष काउंट होते हैं, इस गिनती से तीनों लोकों में वर्ष गिने जाते हैं। देवों में वर्ष गिने जाएंगे, 10,000 वर्ष की आयु तो इन सूर्य चंद्रमा के गमन से गिनी जाएगी। नारकियों की आयु गिनी जाएगी तो इनके द्वारा ही गिनी जाएगी। इसलिए सूत्र दिया था ना, तत्कृतः काल विभाग, उनके गमन से ही काल का विभाग किया गया है। तीनों लोकों में जहां जहां भी काल की चर्चा होगी, वहां मध्यलोक में इन सूर्य चंद्रमा के भ्रमण से ही तय होती है। पहले सूत्रों में कहा था कि मनुष्य लोक में जितने सूर्य चंद्रमा आदि ज्योतिषी देव हैं, वे निरंतर गमन करते हैं, तो मनुष्य लोक के बाहर जो ज्योतिषी देव हैं, उनका क्या होता है, इसका वर्णन अगले सूत्र में देखिए। संधि विच्छेद करें, बहि अवस्थिताः, अर्थात मनुष्य लोक के बाहर जितने भी सूर्य चंद्रमा आदि ज्योतिषी देव हैं, कितने असंख्यात, करोड़ों नहीं असंख्यात सूर्य और चंद्रमा आदि जो ज्योतिषी देव हैं, वे अवस्थिताः, वे जैसे के तैसे स्थित रहते हैं, वे गमन नहीं करते, वो जहाँ हैं वहीं स्थित रहते हैं। इसलिए सूत्र बनाया बहिः अवस्थिताः, अर्थात निर्लोक से बाहर जो भी सूर्य चंद्रमा आदि ज्योतिषी देव हैं, अवस्थिताः, वे जैसे के तैसे स्थिर रहते हैं। तो क्या मनुष्य लोक अर्थात ढाई द्वीप के बाहर दिन रात का भेद नहीं होता? ढाई द्वीप के बाहर असंख्यात द्वीप समुद्रों में तो कल्प वृक्ष हैं, उनका प्रकाश रहता है, इसलिए वहाँ प्रकाश और अंधेरे का प्रश्न ही नहीं उठता। भवनवासी आदिदेव हमसे बड़े हैं, क्या वे पूजनीय हैं? कई प्रश्न आपने अपने प्रश्न में ले लिए। पहला प्रश्न ये है, आपसे बड़े क्यों हैं? मैं पूछता हूँ, भवनत्रिक देव बनना अच्छा है या मनुष्य बनना? क्या भवनत्रिक देव संयम धारण कर सकते हैं? क्या वे वृति बन सकते हैं? नहीं बन सकते। हाँ, और हम तो वृति बन सकते हैं, संयम धारण कर सकते हैं, असंख्यात गुणी निर्जरा कर सकते हैं, तो बड़े वो या हम? क्या शास्त्रों में एक भी प्रसंग किसी को मिला कि इन भवनत्रिक देवों की फला राजा ने, फला सम्यक दृष्टि ने, फला ज्ञानी ने कभी पूजा सम्मान आदि किया? एक भी प्रसंग नहीं मिलता। बड़ा तो मनुष्य है, इसलिए ये मत कहिए ये बड़े हैं। अब प्रसंग ये उठता है, ये पूजा के योग्य हैं या नहीं? सबसे बड़ी बात यह है, पूजा के योग्य हैं कौन? नौ देवता, पंच परमेष्टि, जिनवाणी, जिनागम, जिनवाणी, जिन धर्म, चैत्य और चैत्यालय, ये हैं पूजा के योग्य। और इनके अलावा, नौ देवताओं के अलावा कोई पूजा के योग्य नहीं। तो ये क्या भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी इनमें आते हैं क्या? नहीं आते। फिर इनकी पूजा हम कैसे करें? और विचारणीय बात, ये सब पैदाइशी मिथ्या दृष्टि होते हैं, सम्यक दृष्टि का जन्म इनमें होता नहीं। तो ये पैदाइशी मिथ्या दृष्टि होते हैं, हम मानते हैं कि ये इस पर्याय को प्राप्त करके सम्यक दृष्टि बन सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। पर सम्यक दृष्टि मान लो बन भी गए हों कुछ, तो भी पैदाइशी मिथ्या दृष्टि होने के कारण ये पूजनीय नहीं है। सम्यक दृष्टि भी बन गए हों तो भी पूजनीय नहीं है, सम्यक दृष्टि पूजनीय थोड़ी होता। पूजनीय तो व्रति होते हैं। नौ देवताओं में ये गर्भित होते हैं क्या? नहीं होते, इसलिए पूजनीय नहीं है। अगर इनकी पूजा की जाती है तो कुदेवों की पूजा होने के कारण मिथ्यात्व में आती है। सम्यक दृष्टि जीव इनकी पूजा कभी नहीं करता, इनकी पूजा, इनकी आरती कभी नहीं करता। सूर्य विमान में आपके दिन चैत्यालय होता है, तो क्या हम सूर्य विमान को अथवा सूर्य को बारे चढ़ा सकते हैं? कई श्रावकाचारों में इस तरह सूर्य में स्थित विमान के लिए अर्घ चढ़ाने को इनकार किया है, क्योंकि वर्तमान में जैनेतर लोग सूर्य की पूजा करने लगे। अगर आप इस तरह करोगे तो आप में और उनमें अंतर क्या होगा? लोग कहेंगे ये भी सूर्य देवता की पूजा करते हैं, जबकि वास्तव में हमारे यहाँ
भवनवासी व्यंतर और जोशी नहीं, कोई भी देवगति के देव पूजनीय की कोटि में नहीं आते। अतः अर्घ चढ़ाना युक्ति संगत नहीं, आगम सम्मत नहीं है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन। संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। माणक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। स्वर्गीय माता सीतावंती धर्मपत्नी स्वर्गीय मास्टर नत्थू रामजी मुन्हानी की स्मृति में श्री सुरिंदर जैन, कांता जैन, श्री अशोक जैन, नीलम जैन, श्री पंकज जैन, अमिता जैन, श्री रजनीश जैन, दीपिका जैन, श्री ऋषभ जैन, मुदित जैन, SKJ रबर कॉर्पोरेशन, दिल्ली। अरुण कुमार जैन, रेणु जैन, अनुश्री जैन, अंशिता जैन, नंदग्राम, गाजियाबाद। मीना प्रदीप, मधु प्रद्युम्न, सोना अंकित, ऋषभ, तनुज, सुरभि रानू, प्रखर जैन, चांदवार। 83402 सिद्धार्थ नगर, बोरीवली, मुंबई 400066। सुभाष जैन, वीना जैन, संयम जैन, शिखा जैन, साक्षी जैन, सार्थक जैन, प्रीत विहार, दिल्ली। स्वर्गीय श्रीमती रंजन तरुण भाई सेठ की जन्मतिथि स्मरणार्थ श्री तरुण भाई सेठ, समीर दामानी, तेजल दामानी, मलय दामानी, वडोदरा, गुजरात। श्रुत मालिका, बेंगलोर। नया बाजार, दिगंबर जैन मंदिर, ग्वालियर। रामप्रस्थ कॉलोनी, गाजियाबाद, गुप्तान।